दोस्तों आप सभी ने 2012 में रिलीज हुई साउथ की सुपरहिट मूवी मक्खी तो जरूर देखी होगी। और आप सभी को तो ये भी मालूम होगा कि इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर एसएस राजा मौली ने बनाया था। वहीं इस फिल्म को साउथ में ईगा नाम से रिलीज किया गया था और साउथ में इस फिल्म को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद किए थे, इसीलिए फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया था और हिंदी ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और इस फिल्म के बाद से ही लोग एसएस राजा मौली को पूरे भारत में जानने लगे थे और लोग इनकी फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एसएस राजा मौली की आने वाली फिल्म ईगा 2 को लोग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2022 में रिलीज हुई RRR ने पूरी दुनिया पर तबाही मचा दी है और फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है, इसीलिए राजा मौली की हर फिल्म को देखने के लिए लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। और इसीलिए ईगा 2 अपने पहले पार्ट से काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि ईगा 2 में पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके रामचरण लीड रोल में दिखने वाले हैं और इनके साथ साउथ की ब्यूटीफुल एक्टर समंथा दिखने वाली है। और दोस्तों सुनने को तो मिल रहा है कि अब की बार फिल्म में विलन का रोल बॉलीवुड का बड़ा स्टार निभाता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है और ना ही इस फिल्म के कास्टिंग को लेकर आई है। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि ईगा 2 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों एसएस राजा मौली की आने वाली फिल्म को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों साउथ फिल्म से जुड़ी सभी अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।